गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं हूँ बोधगया में और अभी वापस जा रहे हैं बेगूसराय की तरफ। कल प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी बाइक खराब हो गई थी और वो 25 किलोमीटर पीछे, यहाँ से 25 किलोमीटर पीछे हमें बाइक वहाँ पे रखना पड़ा और मैकेनिक को दिया सर्विस सेंटर में बनाने के लिए। तो वो अभी जाएंगे लेने के लिए। रास्ते में देखो खर्चा कितना होता है वो भी अभी देखना पड़ेगा। तो अभी होटल में ही है, 7:30 बज रहा है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो फिर रास्ते में मिलता हूँ, ऑटो से जाएंगे हम लोग। होटल के सेकंड फ्लोर पे थे हम लोग और बस अभी जाने का टाइम आ गया, तो यहाँ से निकलते ऑटो लेंगे। यहाँ से जाना पड़ेगा मुफस्सिल मोड़ तक और फिर वहाँ से ऑटो चेंज करना पड़ेगा, तो 2-3 ऑटो चेंज करना पड़ेगा। 25 किलोमीटर है टोटल। दो ऑटो चेंज कर चुके, अभी तीसरा ऑटो जाना है, तो सही से मिल नहीं रहा है गाड़ी यहाँ पे क्योंकि हड़ताल लगा हुआ है सब जगह। जैसे तैसे बस पहुँच रहे हैं। इसी ऑटो से आए और ये रहा, यहीं पे बाइक है अपनी और यहाँ से लेंगे और देखते हैं कितना खर्चा हुआ है अभी तक। हो गया? हाँ। बाइक सही हो गया, तो अब यहाँ से जाते बिट्टू के टेस्ट राइड लेने के लिए कि आगे कोई दिक्कत ना हो। और खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, 6,500 का बिल बन गया। इंजन सीज हो गया था कल, तो अभी ठीक है, क्या कर सकते हैं। दोपहर के 12 बज गए और अभी यहाँ से निकलते हैं, घर जाते जल्दी से। आज हड़ताल है तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, देखते हैं। सब सही है, इधर आने से पहले तो सब जाम वाम किया हुआ था, लेकिन अभी देखते बेगूसराय में क्या होता है। निकलते हैं यहाँ से फिर। तो अभी यहाँ से जाएंगे राजगीर और फिर राजगीर से हथदा, हथदा से फिर बेगूसराय। तो 4 घंटे का रास्ता है, 150 किलोमीटर है, वह शाम तक पहुँच जाएंगे कैसे भी। और खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया। पहाड़ों पर रोड, ये रहा उत्तराखंड जैसा, लेकिन दोनों पहाड़ में बहुत डिफरेंस है। इसके ऊपर आप नहीं चढ़ सकते, वहाँ पे आप चढ़ सकते हो। वहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं, जंगल है, यहाँ सब सूखा बंजर है और ये पत्थर सब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। बाकी व्यू देखो बहुत मस्त। राजगीर से बस थोड़ा सा ही पीछे पहुंचने वाले राजगीर। राजगीर इधर है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि साइन बोर्ड बहुत कम है, जबकि होना चाहिए था हर चौक चौराहे पे। ये सब पहाड़ देख रहे हो, एक नंबर पहाड़, और इधर गांव खेती होती है। ओ वाह, ये सारे कमल के फूल हैं, कीचड़ में खिलता है, मस्त। अभी पहुंच गए मोकामा और बेगूसराय यहाँ से 30 किलोमीटर है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। थोड़ी देर रुके हैं, ऐसे ही बम सूझ गया था इस बाइक पे, थोड़ा सा अजीब सा है। तो धूप यहाँ पे नहीं है, उस साइड था, गया के साइड में बहुत धूप था, यहाँ पे सब कोहरा छाया हुआ है अभी तक। तो आधा घंटा लगे और घर पहुँचने में, तो थोड़ी देर रुकते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। इस साइड बहुत ज़्यादा ठंड है, जैकेट भी पहना हुआ है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। धूप तो धूप का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। और रोड जो यहाँ का है एकदम मक्खन, मतलब तारीफ के काबिल। जिस रोड से मैं अभी आया हूँ बोधगया से यहाँ तक, वो रोड एक नंबर का, और उस रोड पे कम से कम 200-250 सीसी का बाइक हो तब मज़ा आए। आ तो इसमें भी रहे लेकिन उस पे ज़्यादा आता, इसमें 70 से ऊपर नहीं जा रहा है कांटा। तो कम से कम 100 के स्पीड से उस रोड पे चले तो नॉर्मल है। हाईवे है, आसपास गांव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सब चीज़ ठीक है। सब हाल में ही रोड बना है,
तो बहुत अच्छा, रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। आधा घंटा लगेगा हमें अभी घर पहुंचने में। 3 दिन का ही ट्रिप था, परसों निकले थे हम और आज वापस घर। तो 3 दिन में काफ़ी कुछ घूम लिया मैंने। बोधगया का प्लान था नहीं हमारा कुछ, वो अचानक बन गया क्योंकि राजगीर हमने 1.5 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था, इस वजह से टाइम बच गया हमारे पास और बोधगया चले गए। और बाइक ख़राब नहीं होती तो और भी जगह घूम सकते थे, बाइक में हमारा बहुत टाइम चला गया। और जिस दिन और कल बाइक ख़राब हुई थी तो उसमें भी बहुत टाइम चला गया और मूड ख़राब था तो कुछ शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था। होटल लिया, उसके बाद नहाया, फिर सोचा कि अभी आ ही गए तो करके जाते, मूड ख़राब करने से क्या होगा, जो होना होता है वो होता ही। तो ठीक है, बस हम आखिरकार अपने घर। 3 दिन के ट्रिप ख़त्म। और ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है? पेस्ट्री तो नहीं लाए? तुमको क्या लेना है ये बताओ। मुझे केक चाहिए। केक चाहिए, चलो अभी केक दिलाते। ओके बाय 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 कर दो। ये दोनों बच्चे में दीदी की है। ओके बाय।